पिछले 9 सालों में नंबर एक रैंक हासिल करते आ रहा है IITians Learn। कई सारे स्टूडेंट्स को अब तक MBBS कॉलेज में एडमिशन हासिल हो चुका है, जैसे KIIM हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल, IIT दिल्ली एंड IIT KG। My name is Sheikh Rimshah Mohammed Arif। Myself Ansari Mustafa। My name is Ansari Sania। Myself Sheikh Sadaf Farjan। Myself Sheikh Nadeem। My score is 656 in NEET 2024 in my first attempt। मैंने NEET 2024 की प्रिपरेशन IITians Learn से की है। मेरा स्कोर 625 आया है। I have scored 611 marks in NEET 2024। I scored marks 600 in NEET 2024। I have scored 99.2 percentile in MSTCET 2024। मैंने IITians का 2-year classroom program लिया था। अपने 10th के ही बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। खत्म हुआ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट का पानी कचरा मुद्दे पर किया गया धरना आंदोलन। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 30 सितंबर से शहर की पानी समस्या और कचरा न उठाए जाने की समस्या को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के पूर्व नगर सेवक तथा मनपा के पूर्व विपक्ष नेता अशरफ शानू पठान के नेतृत्व में मोबरा फायर ब्रिगेड के पास शुरू किया गया बेमुद्दत धरना आंदोलन जो है वो दूसरे दिन दोपहर के समय खत्म हो गया। थाने मनपा की ओर से पानी आपूर्ति विभाग के मुख्यालय डेप्यूटी इंजीनियर विनोद पवार, घन कचरा व्यवस्थापन के अधिकारी और मुमरा पानी आपूर्ति विभाग के अधिकारी शशिकांत सालुके, ये तमाम पहुंचे थे। उन्होंने इनसे तमाम बातचीत की। उनकी बातचीत और अनुरोध के बाद, उनके द्वारा दिए गए आश्वासनों के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट का यह आंदोलन खत्म हुआ। आंदोलन खत्म होने पर और किए जाने पर क्या जानकारी दी है मनपा अधिकारी विनोद पवार ने, वो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद इसी आंदोलन खत्म करने पर क्या बोले पूर्व नगर सेवक तथा विपक्ष नेता अशरफ पठान और पूर्व नगर सेवक हीरा पाटिल, वो भी। ज्या ज्या तक्रारी आहेत त्या तक्रारीवर निराकरण करण्याचं काम महापालिकेमार्फत युद्धपातळीवर सुरू आहे आणि त्वरित त्यावर उपाययोजना होतील। नागरिकांना व्यवस्थित आणि वेळेत पुरेशा दमाने अधिकारीचा होईल। माधक अधिकारी सर, कारण काय होतं की कचऱ्याची समस्या आहे, पाण्याची समस्या आहे। मध्यंतरीच्या काळामध्ये MIDCचा शटडाऊन झाला होता, त्याच्यानंतर त्यांचं पाणी थोडं 24 तासाऐवजी 42 तासांनी सुरू झालं आणि 2 दिवस कमी दाबाने, प्रेशर कमी असल्यामुळे लोकांना पाणी व्यवस्थित मिळालं नाही। पण त्याच्यानंतर आम्ही परिस्थिती कंट्रोलात आली आहे, पूर्वपदावर आलेली आहे आणि आता व्यवस्थित पाणीपुरवठा सुरू आहे आणि यापुढे राहील। नाही तसं काही नाही। महापालिकेमार्फत ज्या ज्या सुविधा द्यायच्या आहेत पाणीपुरवठ्याच्या बाबतीत त्या पूर्णपणे दिलेल्या आहेत आणि यापुढे देत राहील। आमचं काम सुरूच आहे सर। हे लोक मोर्चा घेऊन महापालिकेत येणार होते, मात्र कुठल्या अधिकाऱ्याची आई त्यांची तब्येत ठीक नसल्यामुळे त्यांनी इथे आंदोलन केलेलं आहे। पुढची भूमिका त्यांची आयुक्तांच्या दालनात जाऊन आंदोलन तिथे पडणार नाही, जायचं आम्ही करू सुधारणा करायचं काम चालू आहे, पूर्णपणे होईल। ती नेमकं चर्चा मुख्य अति आवश्यक सेवा आहे कचरा और पाणी। काही महिने कचरे के डंपिंग का इश्यू देखे, कॉन्ट्रॅक्टर का इश्यू देखे, त्या कचरे को नाही उठाया जा रहा है। मुमरा कोसा में गणपति जैसे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल, परिदे मिलादुन नबी जैसा फेस्टिवल कचरे की कूड़े में मनाया गया। पानी नहीं, एक तरफ पानी कम कचरा दादा, ये व्यवस्था थी। लेकिन हम लोग आज थाने नगरपालिका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय के बाहर सभी कॉरपोरेटर हम लोग ये सारी चीज़ें लेके वहाँ जाने वाले थे उनके कैबिन के बाहर, लेकिन हमारे कुछ अधिकारियों की मदर इन लॉ की, उनके एक अधिकारी की मदर इन लॉ की तबीयत सीरियस है और रात को उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। इंसानियत के नाते हमने ये आंदोलन को टेम्परेवरी बेसिस पे स्थगित किया है। अगर एक हफ्ते के अंदर 11 तारीख तक ये सारी समस्याओं के कॉरपोरेटर की नहीं सोल्व किया गया तो हम 12 तारीख के बाद कभी भी बिना बताए सभी कॉरपोरेटर 200 लोगों की हमने एक कमेटी बनाई है मुमरा कोसा के सोसाइटी की, उनको लेके हम लोग आयुक्त कार्यालय के बाद ये दोनों चीज़ लेके जाएंगे। और हमने उनको यही कहा, थाने महानगर पालिका के अंदर हमारे CM होने के बावजूद चीफ मिनिस्टर थाने महानगर पालिका के अंदर है, थाने के CM है, तो फिर हमारे मुमरा कोसा के साथ भेदभाव क्यों? डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी दिन रात मेहनत कर रहे,
तो क्या वे उनके साथ भेदभाव क्यों, ये सारी चीज़ों के लिए हमने उनसे प्रश्न किया, जिनके लिए वो एक्शन में आए। विजिलेंस की टीम टैंकर के जितने भी अपने वॉलमैन उनको बदली, टैंकर माफिया पे कंट्रोल, ये सारी चीज़ें, सिल फटे थे कल्याण फटे तक कमर्शियल लोगों को 17 लाख लीटर पानी जो चोरी हो रहा है। बीएमसी ने हाल ही में कार्रवाई की है सर, कई पंप जब्त किए और 50-50 हज़ार एक एक पंप के ऊपर कान किए, लाखों रुपये फाइन जमा हुआ। कल्याण फटे थे कि सिल फटे थे कमर्शियल लोग बड़े बड़े पंप लगा के रात का पानी ले रहे, तो मुमरा के नागरिकों को पानी कैसे मिलेगा। ये सारी चीज़ों के ऊपर वो पॉजिटिव हुए। एक हफ्ते के अंदर डंपिंग ग्राउंड आपके सामने ही कहा कि आके मुमरा कौसा का जो कचरे का उसे है वो भी समस्या खत्म होगा, पूरा होगा। हमने ये भी कहा कि आने वाले गर्मी के लिए आप पानी के लिए बावड़ी और बोरिंग का व्यवस्था तुरंत करें, वो भी सभी कॉरपोरेटर को, कोई भी पक्ष के हो, बिना भेदभाव के सभी कॉरपोरेटर को पानी की सुविधा और कचरे की सफाई की सुविधा उनको किया जाए, ताकि वो नागरिक के रिप्रेजेंट करते उनको न्याय मिल सके। माझं असं म्हणणं आहे की ठाणे महानगरपालिका जनतेच्या हितासाठी जे सुविधासाठी टेंडर काढला जातो, तर ते टेंडरमध्ये आपल्या अधिकारी, काही अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी त्यांना सहकार्य करून पुरेशी मॅनपॉवर लावत नाही। दुसरा विषय असा आहे का ज्या ज्या करारनाम्यामध्ये जे रस्ते दिलेले ते साफसफाई करत नाही। आत्ताच सध्याच्या आंदोलनामध्ये 4 दिवस कचरा उचलला नाही। माझा अधिकाऱ्यांना प्रश्न आहे का 4 दिवसाचे ठेकेदाराचे पैसे कापले जाणार का, हा प्रश्न आहे। आणि दुसरा विषय कसा, आज आपल्या ठाणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये आमचे मुख्यमंत्री ठाण्याचे एकनाथजी शिंदे साहेब, त्यांचे चिरंजीव श्रीकांतजी शिंदे साहेब हे खासदार आहेत, पण आज पण जर आम्हाला जर पाण्यासाठी झगडावं लागत असेल तर मुख्यमंत्री असून आम्ही काय कमावलं, हा मोठा प्रश्न आहे। 100% पाणी धरणं भरली मात्र मुंबऱ्याचा तहान भागवण्यासाठी, सर 100% धरणं भरलेली जरी असली, आमचा हा आरोप आहे का मुंबरा दिवा प्रभाग समितीमध्ये ह्या दुजा भाव केला जातो। ठाण्यामध्ये याच्या अशा कुठल्याही प्रकारच्या तक्रारी नाही आहेत। कचरा पूर्ण ठाण्याचा कचरा आणायचा आमच्या दिवा प्रभाग समितीमध्ये टाकायचा का, तिथे पण डंपिंग ग्राउंड काढायला पाहिजे। जनतेचा पैशाचा फुकटची लूट चाललेली आहे। आज मला हे सांगायचं आहे का तुम्ही तसे प्रत्येक प्रभाग समिती व्हायचं डंपिंग ग्राउंड काढा ना, प्रत्येक प्रभाग समितीवर डंपिंग ग्राउंड केल्यानंतर करोडो रुपये ठाणे महानगरपालिकेचे वाचले जातील, लोकांच्या ज्या अडचणी आहेत त्याही अडचणी सुटल्या जातील। धन्यवाद।